कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, पांचवी आर्थिक शक्ति बनाया है, उनकी सरकार है प्रदेश के अंदर, वहां तो देने का काम करे, मजदूरों के लिए अधिकार दिए। तो बाबा साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस ने उनके अपमान के सिवा कुछ नहीं किया। और आज वो बाबा साहब का नाम ले लेकर के वोट को अपनी तरफ करने जा रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। अगर मान लो 1-1 लाख रुपये 8600 रुपये महीने के वो देने थे, तो आज जा कर के कांग्रेस जहाँ उनकी सरकार है प्रदेश के अंदर, वहाँ तो देने का काम करे, लेकिन आज लोगों को बका करके वो लोग उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो दफ्तर बंद करके भाग रहे हैं। तो इस तरह से जो झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं, उनसे आगे भी हमें सावधान रहना है। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के अंदर हम सब लोगों को जिस तरह के ये झूठ कांग्रेस ने फैलाए, इसको नेगेट करना, इसका दुष्प्रचार जो फैला रखा उसको ठीक करने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता घर जा जा करके करेगा, ताकि ये झूठ की राजनीति आगे ना आए। और इस प्रदेश का जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को पांचवी आर्थिक शक्ति बनाया है, और उनका ये जो इरादा है कि अगली 5 साल के अंदर इसको विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे और इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे और दोबारा से इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम हम करेंगे।